नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना वायरस महामारी से मुक्ति के लिए लौटते दिन नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1,00,000 से कम नए मामले मिले हैं। रविवार को कुल 83,876 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान करीब 2,00,000 यानी कि 1,99,054 मरीज ठीक हुए और 895 मरीजों की जान गई है। देश में अब 11,00,000 ही एक्टिव केस बचे हैं। एक्टिव केस की दर 2.62% है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो ये 96.19% है। अब तक 4,06,60,202 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। रविवार को कुल 11,56,363 कोरोना टेस्ट हुए। बीजिंग में इमरान खान से मिलने के बाद शी जिनपिंग ने भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मसले का हल शांतिपूर्ण ढंग से निकालने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर पर कोई भी एक तरफा कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी 4 दिवसीय चीन यात्रा के आखिरी दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। खान बीजिंग में हो रहे शीतकालीन ओलंपिक खेल के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन गए थे। माना जा रहा है कि उन्होंने बीजिंग में अपने देश को बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और दूसरे कई मुद्दों पर चीन के नेताओं से चर्चा की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग में अब 3 दिन ही बचे हैं। इस बीच सभी दलों की तरफ से कैंपेनिंग तेज हो गई है। यही नहीं, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैंपेन के लिए आने वाली है। वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी। उनके यूपी में आने को भाजपा के खिलाफ सपा की मोर्चेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ मिलकर 8 फरवरी को वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी, जो पहले राउंड की वोटिंग के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। कर्नाटक के उडुपी जिले में पिछले महीने एक कॉलेज में हिजाब पहनने पर 6 छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई। धीरे धीरे ये विवाद राज्य के अन्य कॉलेज में भी फैल गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शैक्षणिक संस्थान ऐसे सख्त ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं जो छात्र के अधिकार में हस्तक्षेप कर सके। ये मुद्दा धर्म की स्वतंत्रता को पढ़ने वाले कानूनी सवाल उठाता है कि क्या हिजाब पहन करके और इसके पहनने का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है। ठंड, बारिश और बर्फबारी से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार एक और पश्चिमी विक्षोभ 8 फरवरी की रात से उत्तरी पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। 9 फरवरी को दिल्ली में आसमान में बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान है जो सर्दियों में बारिश लाते हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ ने पिछले सप्ताह भी दिल्ली में बारिश, बादल और तापमान में कमी लाई है। कर्नाटक में खड़े हुए हिजाब विवाद को लेकर तकरीबन हर दिन नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। सोमवार को कुदमपुरा के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कैंपस में एंट्री दे दी गई। हालांकि इन छात्राओं को अलग कक्षाओं में बिठाया जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद से ही सिद्धू ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि नई सरकार बनने के बाद भी मैं पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना रहा तो फिर किसी भी विधायक के बेटे को चेयरमैन का पद नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में 4,000 चेयरमैन के पद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही दिए जाएंगे। इसके साथ ही सिद्धू ने कहा है कि मैं पार्टी से अपील करता हूं कि वो मुझे इस पद पर बनाए रखे और यदि ऐसा रहा तो फिर किसी भी विधायक के बेटे को चेयरमैनी नहीं मिलेगी। सिद्धू ने अपने ही अंदाज में कहा कि मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य में कोविड महामारी के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति में अब सुधार हो रहा है, जिसको देखते हुए राज्य में 15 फरवरी से कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियां हटा दी जाएंगी। शर्मा ने गुवाहाटी में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं, नगर निगम चुनाव और माजुल विधानसभा सीट पर उपचुनाव अगले 2 महीने में संपन्न कराए जाएंगे। भाजपा को त्रिपुरा में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 2 विधायक सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार साहा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है। दोनों ही नेता इस्तीफा देने के बाद दिल्ली जा रहे हैं। इन दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। दिल्ली में आकर दोनों नेता कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि दोनों 10 फरवरी को कांग्रेस में शामिल होंगे। आशीष कुमार साहा ने भाजपा से पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज उन्होंने विधायकी भी छोड़ दी। पंजाब में कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने को बड़ा दांव माना जा रहा है। यही नहीं, इसे पंजाब में मंडल पॉलिटिक्स की शुरुआत भी कही जा रही है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित सीएम हैं और यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो 5 साल के लिए उन्हें मौका मिलना बहुत बड़ी बात होगी। पंजाब में दलित समुदाय की आबादी 32% आबादी है, जो चुनाव का रुख बदलने में अहम है। अब तक इस समुदाय को सत्ता में इतनी बड़ी भागीदारी पंजाब में कभी नहीं मिली, जबकि काशीराम खुद इसी सूबे से आते हैं। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की पेरोल मिल गई है। वो रोहतक के सुनारिया जेल से बाहर निकलने की तैयारी में है। सबसे पहले सिरसा डेरा जाने की बात सामने आ रही है। जेल जाने के बाद पहली बार राम रहीम गुरमीत सिंह को फरलो मिली है।
देश में कोरोना की तीसरी लहर अब कमजोर हो गई है। कोरोना के कम असर को देखते हुए अलग अलग राज्यों में स्कूल को खोला जा रहा है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण कई राज्यों में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। कुछ दिनों में कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं, यही वजह है कि एक बार फिर से स्कूलों को खोला जा रहा है। सोमवार को यूपी, बिहार, दिल्ली, गुजरात और केरल में ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की शोध रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई रिवर्स रेपो दर में 0.20% की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो बैंक इसका सीधा भार ग्राहकों पर डाल सकते हैं। इसके लिए बैंक ग्राहकों को देने वाले लोन को महंगा करते हुए ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट को भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्यकांति घोष ने तैयार किया है। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्टिविटी को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। वो अक्सर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े अपडेट फैंस के साथ भी शेयर करते रहते हैं। इन दिनों वो भोपाल में अपनी आगामी फिल्म योद्धा की शूटिंग कर रहे हैं। योद्धा के सेट पर भी वो अपनी फिटनेस का खूब ख्याल रख रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर रविवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि एक पेड़ पर बंधे जिम्नास्टिक रिंग्स पर लटक कर वो मसल्स अप्स और 360 डिग्री टर्न कर रहे हैं। पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने बताया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है। ओझा ने कहा है कि विराट कोहली इतने ज्यादा ऊर्जावान और अपनी भावनाओं को जाहिर करने वाले खिलाड़ी हैं कि जो भी उनके जैसा खिलाड़ी नहीं होता उसे अपनी बातों को उनके सामने रखने में मुश्किल होती है। संजीदा वक्त में वो खिलाड़ी कप्तान के साथ अपनी बात को कैसे रखना है इस बात का पता ही नहीं होता, लेकिन रोहित शर्मा के साथ ऐसा नहीं है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की अकादमिक ईयर 2021-22 की बोर्ड परीक्षाओं के इस बार दो चरणों में आयोजन के अंतर्गत नवंबर दिसंबर 2021 में आयोजित टर्न वन एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा जनवरी के आखिर तक या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में घोषित किए जाने की पूरी संभावना जताई गई थी। हालांकि बोर्ड की तरफ से सीबीएसई 10वीं टर्म वन रिजल्ट 2021 या सीबीएसई 12वीं टर्म वन रिजल्ट 2021 को लेकर कोई भी आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किए जाने से छात्र असमंजस की स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार का काम संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चौथी जन चौपाल में बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर से वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े इन तीनों जिलों में दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। मुंबई का मोस्ट वांटेड भगौड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर भारत सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने मामले से जुड़ी जांच एनआईए को सौंप दी है। आपको बता दें कि पिछले साल खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई अनीस इब्राहिम भारतीय सुरक्षा एजेंसी की रडार पर है। अनीस इब्राहिम नशीले पदार्थों की तस्करी से शामिल है और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अपने धंधे को संचालित कर रहा है। भारत में एक और वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। डीजीसीआई ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज वैक्सीन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने रविवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि एक और वैक्सीन के आ जाने से कोरोना के खिलाफ हमारी जंग को और मजबूती मिलेगी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी को दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अपनी याचिका में स्वामी चक्रपाणी ने कोर्ट में कहा था कि वो चुनाव आयोग को निर्देश दे कि अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को भी कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति दे। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में आए दिन नए चेहरों की एंट्री हो रही है। पहले अभिनेता सोनू सूद ने अपनी बहन मालविका सूद को चुनावी युद्ध में मैदान में उतारने की घोषणा की थी। अब वहीं पॉपुलर एक्ट्रेस माही गिल ने राजनीति में एंट्री ले ली है। माही गिल ने चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस जीते इस नेताओं में शुमार आनंद शर्मा ने राज्यसभा में पार्टी नेतृत्व से दूर होते रिश्ते को लेकर संकेत दिए हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शायद संसद में उनका यह आखिरी बयान होगा। शर्मा ने राज्यसभा में दिए अपने वक्तव्य में अगली बार सांसद नहीं बनने की आशंका जाहिर की है। देश में टीकाकरण की गति को और तेज करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की आज शुरुआत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी शुरुआत कर दी है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन इंद्रधनुष पोर्टल भी लॉन्च किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि टीकाकरण कवरेज 90% हो। इसके लिए राज्यों और केंद्र को सामूहिक प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक सड़क हादसे में हुए लोगों की जान जाने पर सोमवार को दुख जताया है और घायलों के लिए मुआवजे दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक ट्वीट के मुताबिक मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में एक दुखद सड़क हादसे में लोगों की जान गंवाने से दुखी हूं। जान गंवाने वालों के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे।
देश में इन दिनों टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। देशवासियों को टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना का टीका लेने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि टीका लगवाने के लिए व्यक्ति को कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाना होगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि वो आधार कार्ड के उत्पादन पर जोर न दे। कनाडा में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। बीते कुछ दिनों से मंदिर में चोरी, तोड़फोड़ और फिर लूट की घटनाओं की इस वजह से पुजारियों, भक्तों और श्रद्धालुओं के बीच दहशत फैल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 10 दिन में ही 6 मंदिर को लूटा गया है, साथ ही तोड़फोड़ की गई। हमलावरों ने दान पेटियों से नकद चुराने के साथ ही भगवान की मूर्तियों पर सजाए गए आभूषण भी चुरा लिए। इस मामले में कई शिकायतों के बाद पुलिस ने जाँच शुरू की है। देश में मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली को पहली महिला कुलपति मिल गई है। प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुरी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। इससे पहले धुलीपुरी महाराष्ट्र के पुणे स्थित सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। अगले 5 साल तक उनका कार्यकाल हो रहेगा। प्रोफेसर शांति श्री JNU की स्टूडेंट भी रह चुकी है। उन्होंने JNU में फिलोसफी में मास्टर्स और PhD की डिग्री ली है। JNU से ही वो MPhil और PhD प्राप्त पंडित तमिल, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी में पारंगत है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक फतवे पर विवाद के कारण सहरानपुर प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के बाद संस्था की वेबसाइट को बंद कराया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी फतवे को बाल अधिकारों के खिलाफ माना गया है, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से सहरानपुर DM को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल दारुल उलूम देवबंद के फतवे और बच्चों के मुद्दे पर भ्रमित करने वाले बयान के मामले में पिछले दिनों काफी विवाद मचा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिमस्खलन से भारतीय सेना के 7 जवानों के दबे होने की खबर आई है। भारतीय सेना ने कहा है कि हिमस्खलन की चपेट में आए सेना के गश्ती दल को बचाने के लिए बचाव अभियान जारी है। बचाव कार्यों में सहायता के लिए विशेष टीम को एयरलिफ्ट किया गया है। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी के कारण मौसम काफी खराब है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, सभी दलों ने राज्य को लूटा है, लिहाजा राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली बड़ा मुद्दा है और सरकार बनने के बाद राज्य की जनता को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। वहीं हरिद्वार में पत्रकार वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड भी खेला और पूर्व सैनिकों को लुभाने के लिए सरकारी नौकरी का वादा भी किया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुन्नू कुमार, साहिल कुमार, विनोद कुमार, अमित कुमार, मनीष कुमार, धीरज कुमार, सोनी रवि, जितेंद्र ठाकुर, राजीव रंजन, ऋषि राजावत, मुकुल देव, राजीव कुमार, मुकेश कुमार, प्रमोद प्रेमी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पंजाब में कांग्रेस की तरफ से CM चन्नी को बतौर मुख्यमंत्री उतारने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।